ओमज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। अब दोनों इधर आ गोपेश गोपी का डाटा बताए। आप भी सहारा देकर बैठे ना, राधा सामने आ जाए। कोई हिंदी भाषी होनी चाहिए जिसको देख कर बोल। हम कोई फिर बैठे वही सामने बैठे सामने बैठे, क्योंकि हिंदी भाषी हो ना तो हिंदी बोल सकते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। बैठो। वंशा कल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु भाई पतिता नाम किसको बुला रहे प्रभु जी को। ठीक अब इधर आ जाए। पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई कुलसुदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गौर गोविंद महाराज भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे महाप्रभु कैसे गुंडीचा मंदिर में अर्जन करने के लिए जा रहे हैं, और कल ये भी सुन रहे थे भगवान की मंदिर में झाड़ू लगाने का कितना महिमा है। इसलिए राजा ने झाड़ू लगाया तो महाप्रभु का कृपा मिला, झाड़ू लगाया तो उन्होंने सात दल में एक साथ में साक्षात महाप्रभु का दर्शन किया। ऐसे सात पार्टियों में एक साथ में महाप्रभु सबको साथ में कीर्तन कर रहे थे, जैसे कृष्ण रास कर रहे थे एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण, ऐसे उन्होंने साक्षात महाप्रभु का दर्शन किया। लेकिन इसको और कोई नहीं देख पाए, और कोई नहीं देखा, महाप्रभु ने देखा है, श्री राजा ने देखा है। और कैसे उन्होंने महाप्रभु का चरण की सेवा की, और सेवा करते करते जब गोपी गीत गाए महाप्रभु संतुष्ट होकर उनका आलिंगन भी दिया, भगवान को आलिंगन भी उन्होंने प्राप्त किया है। और क्या सुने थे, कैसे स्वयं जगन्नाथ और बलदेव राजा को झाड़ूदार बोला कांची का राजा, इसलिए उन्होंने युद्ध करने के लिए ठाकुर स्वयं गए, ठाकुर जी स्वयं कृष्ण बलराम युद्ध करने के लिए गए राजा के लिए है, इसलिए इतने महिमा झाड़ू लगाने का। और हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जब वृंदावन में श्री श्यामानंद प्रभु आए वृंदावन में, तब गुरु जी ने बोले बेटा जाओ झाड़ू लगाओ,
कहाँ सेवा पंक्ति में झाड़ू लगाओ, राधा रानी लीला करती है और झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी के चरण की नुपुर भी मिला है। केवल झाड़ू लगाते लगाते हैं और स्वयं राधा रानी की चरण में उन्होंने स्वयं अपना हाथों से चरण में नुपुर पहनाया और उन्होंने राधा रानी को दर्शन किया। क्या करके? झाड़ू लगाते। इसलिए भगवान की मंदिर में जो झाड़ू लगाते है ना, है लगाएंगे तो झाड़ू मंदिर में, लेकिन उसका हृदय में झाड़ू लग जाती है, हृदय में झाड़ू लगी जाती है। इसलिए हरिभक्ति विलास में आया है, कोई एक राजा था, रोज मंदिर में जाकर के लिपा पोछा लग रहा था अपना हाथों से। उसने कहा भैया राजा होकर के ये मंदिर में अपना हाथों से ये लिपा पोछा क्यों करता है, राजा है। तो किसने पूछा तू राजा है, राजा होकर के मंदिर में ये झाड़ू क्यों लगाते हो? तो राजा ने पूर्व जन्म की बात सुनाई, कहते भगवान की मंदिर में झाड़ू लगाने का पोछा लगाने का मेरे को महिमा पता। बोले क्या पता है? बोले पहले जन्म में मैं एक दुष्ट था, बदमाशी था और एक बेस्या को लेकर जंगल में गया और मेरे को पता नहीं था ये भगवान का कोई मंदिर है, कोई विष्णु मंदिर, मेरे को पता नहीं था ये बात। मैंने उसको साथ में खराब काम करने के लिए वो जो गंदा पड़ा हुआ था मैं अपने हाथों से साफ किया था मंदिर को, मैंने विष्णु मंदिर को हाथों से साफ किया था, लेकिन किया तो गंदा काम। लेकिन जो ठाकुर जी है वो इतने दयालु है, कहते गुना अपगुना प्रभु देखो ना काम, कहते जीव का जो अपगुण में उनका नजर नहीं रहता है, केवल उनका गुण में ही ठाकुर जी का नजर रहता है। मैंने खराब काम करने के लिए मंदिर को साफ सुथरा किया, लेकिन उसका फल ये मिला, देश का मैं राजा बन गया। अगर मैं रोज रोज अगर मंदिर में पोछा लगाऊंगा तो पता नहीं ठाकुर हमें क्या देने वाले हैं। इसलिए मैं रोज आकर के मंदिर में ठाकुर जी का मंदिर में लिपा पोछा रोज लगाता हूँ। और भक्त विनोद ठाकुर कहते भक्त विनोद ठाकुर अपना परिचय क्या देते हैं, वो अपना परिचय देते हैं, मैं नाम हाट का झाड़ूदार हूँ, वो अपना परिचय देते हैं, मैं एक झाड़ूदार हूँ। इसलिए भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का बड़ा पुण्य है, बड़ा महत्व है। इसलिए आज स्वयं भगवान उन्होंने कौन सा सेवा को मांग करके लिया, बोले झाड़ू लगाएंगे मंदिर में, मैं अपना परिवार को लेकर के भक्तों को लेकर के मैं झाड़ू लगाऊंगा हैं। इसलिए इस सेवा को मांग करके दिया और उन्हें खूब उन्हें कलसी मंगाया, झाड़ू मंगाया हैं। और जो लोग मंदिर में झाड़ू लगाने जा रहे थे, महाप्रभु ने क्या किया, जैसे झाड़ू लगाने के लिए जा रहे सबको उन्होंने तिलक दिया। जैसे हम आते ना घर में कोई आते हैं, हम शरीर चंदन लगाते हैं और गले में माला पहनाते हैं, इसलिए झाड़ू लगाने के लिए जा रहे थे महाप्रभु, सब भक्तों को उन्होंने स्वागत किया, सबको एक माला पहनाया अपना हाथों से भगवान, सबको तिलक लगाया। बोले क्यों, कारण क्या, महाप्रभु क्यों स्वागत कर रहे हैं? बोले इसका दो कारण है। पहला कारण है जो गुंडीचा मंदिर है वो राधा रानी की कुंज महल है, वो वृंदावन धाम है जिसमें कृष्ण स्वयं बैठने वाले, अगर उसको कोई साफ करने के लिए अगर जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उसको स्वागत करता हूँ और उसको मैं चंदन और माला देता हूँ। और दूसरा चीज है वो इसलिए महाप्रभु उनको स्वागत कर रहे हैं, वो मंदिर साफ नहीं है, अपना हृदय रूप मंदिर को साफ कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु से क्या देते हैं, जो अपना हृदय को साफ करना चाहता है और उसके हृदय में कृष्ण को बैठाना चाहते हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, उसको माला और चंदन में पहनाता हूँ। इसलिए हम जो पुरी में थे, जब हम गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए जाते थे, जब जाते थे जो हमारे गुरु जी थे ना, हमारे जो गुरु जी थे, जो लोग जाते थे अपना हाथों से गुरुदेव सबकी गलाएं माला पहनाते थे, अपना शिष्यों को गला, और स्वयं हमारे गुरु जी चंदन सबकी सर पर चंदन लगाया करते थे। मतलब बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं मंदिर, मतलब राधा रानी की कुंज महल एक, और दूसरी है तुम अपना हृदय को साफ करने जा रहे हैं, और जो हृदय को साफ करके कृष्ण को बैठाना चाहते हैं, क्या तो बड़े भाग्यवान हैं, हैं जो अपना हृदय को साफ करना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु सारे भक्त लोगों को लेकर गए और लेकर के उन्होंने मंदिर में पहले झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा करके जितने धूल था ना सारे धूल को उन्होंने पहले साफ किया, हैं सारे धूल को पहले साफ किया। धूल साफ करने का बाद में फिर उन्होंने जो कंकड़ था
वो कंकड़ को भी निकाला वहां से, कंकड़ को निकाल करके फिर क्या किया उसको बाद में, फिर उन्होंने पानी लाए, पानी ला करके फिर मंदिर को धोए। लेकिन अगर कहीं थोड़ी दाग अगर रह गया ना, फिर महाप्रभु क्या किया अपना कपड़ा लिया, महाप्रभु अपना कपड़ा लेकर के घीच घीच करके तो दाग को उन्होंने मिटाया, दाग को मिटाया। तब यहाँ पर तो प्रभुपाद कहते हैं इसका तात्पर्य क्या है, महाप्रभु ये धूल को हटाया मतलब क्या है, ये धूल क्या है, तो जो धूल है जीव का हृदय में अनादि काल से हम भगवान को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष ज्योति में हम भ्रमण कर रहे हैं, भगवान को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड 84 लक्ष ज्योति में हम भटक रहे हैं। इसलिए संसार का जो बंधन है, हैं जो हृदय में जो कर्म की जो वासना है हृदय में बहुत दिन से पड़ा हुआ है, बहुत दिन से पड़ा हुआ। इसलिए गुरु जी को किसी ने कहा अरे गुरुदेव माला जप करते करते माला अभी तो काला हो गया है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है गुरुदेव, कुछ हो ही नहीं रहा है। गुरुदेव बोले तू कितना दिन मंदिर में आए हो, बोले 10 साल। तो गुरुदेव सिंह बोले मैं 50 साल से आकर कुछ नहीं हुआ, तू 10 साल से हुआ ही नहीं। हाँ इसलिए इसलिए गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे तुमको पता है कितना कितने साल नहीं कितने जन्म से हम भगवान से विमुख हुए हैं। इसलिए कहते ना कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तरते संसार की दुख, संसार में दुख कर टकी हुए हम भगवान को एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म से हम भूले हुए हैं, करोड़ों जन्म से हम भूले हुए और भूल करके ये माया की चक्कर में कभी राजा कभी प्रजा कभी सुखी कभी दुखी कभी पेड़ कभी पौधा ऐसे ही हम संसार में हम भटक रहे कितने जन्म से। अब तुम कहते हो एक जीवन में है कुछ हो 10 साल हुआ बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी। इसलिए गुरुदेव कहते थे ऐसे मत समझो कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसलिए गुरुदेव बोले होपलेस मतलब होगा हमारे कुछ नहीं हो रहे, गुरुदेव कहते होपलेस मतलब, क्योंकि कृष्ण कहते हैं नैव विक्रम नाशस्ति प्रतप्याय न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते मद्भयात्। कृष्ण कह रहे मेरे लिए अगर इतना कोई थोड़ी सी करे, थोड़ी सी भी मेरे लिए करे ना उसके लिए मैं इतना करता हूँ। सुदामा 2 मिनट चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया है, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने थोड़ा साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दिया, घड़ी सभा में लाज जा रहे थे ठाकुर जी स्वयं साड़ी बंद कर प्रकट हो। इसलिए गुरुदेव कहते होपलेस मत हो कभी भी, हम जो कुछ कर रहे हैं ना भगवान के लिए ये सबके सब ठीक से ठीक हो रही है, ये सबके सब ठीक से ठीक हो रही है। गुरुदेव बोलते कभी होपलेस मत होया करो, सब चीज हमारी अकाउंट में जमा हो रही है, जो कुछ कर रहे हैं ना सबके सब जमा हो रही है, एक दिन देखोगे माला ही माल तुमको मिलेगा, माला ही माल मिलेगा। इसलिए गुरुदेव होपलेस मत हो। इसलिए जो धूल को साफ कर रहे थे, धूल साफ मतलब है हमारे हृदय में जो हन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम्। इसलिए प्रभु कहते हैं झाड़ू लगाना मतलब है हमारे हृदय में जो अन्याभिलाषित है, मतलब भगवान को सेवा को छाड़ करके जो तरह तरह का अभिलाष हृदय में बैठा हुआ, झाड़ू लगाना मतलब होता है इसको साफ करना। इसलिए कहते चेत दर्पण मार्जनम, जब भगवान के नाम करते हैं हृदय रूपी जो दर्पण शीशा में जो धूल जमा हुआ ये सब के सब ये साफ हो रहा है, ये सब के सब ये साफ हो रहा है। इसलिए सब के सब साफ किया, साफ करते हुए लेकिन महाप्रभु ने जब साफ कर रहे थे ना मंदिर को साफ कर रहे थे, इसमें कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो सही सही साफ नहीं कर रहे थे, कुछ लोग ना काम चोर होते हैं, काम चोर होते हैं काम के लिए ना छुपा छुप कर रहना चाहते, जहां पर सेवा की जरूरत पड़ेगा वहां पर दूर रहेंगे, हैं कुछ दूर रहेंगे, क्यों वहां जाने पर सेवा करना पड़ जाएगा। कुछ काम चोर थे वो मंदिर को ठीक ठीक से साफ नहीं कर रहे थे, इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे थे उनको मीठी मीठी वचन से उनको भर्थना कर रहे थे, अरे क्या कर रहे हो तुम मंदिर को ठीक से साफ क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक से मंदिर को साफ करो। और जो उनको मीठी मीठी वचन से उनको भर्थना कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बढ़िया से साफ कर रहे थे, मन लगा रहे थे साफ कर रहे थे, महाप्रभु उनको बड़े खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे और पीठ पर हाथ थपथपा कर रहे थे, वाह
बड़ा सुंदर तू मंदिर साफ कर रहे हो, इसलिए दूसरों को भी सिखा दो, दूसरों को भी खुद अच्छे से कर रहे हो, दूसरों को भी कैसे साफ करनी चाहिए सिखा दो। कद इसका मतलब क्या है? कद इसका मतलब क्या? कुछ कर नहीं रहे थे और कुछ कर रहे थे, मतलब क्या? इसका मतलब है मंदिर नहीं वो गुंडीचा मंदिर नहीं, अपना हृदय। जो व्यक्ति अपना हृदय को ठीक से साफ नहीं करते हैं, महाप्रभु को मीठी 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 गाली दे रहे थे, बोले नहीं हृदय को अच्छे तरह से साफ करो, तब तो हृदय में ठाकुर जी बैठेंगे ना, और ठीक से साफ नहीं करेंगे तो कहां से बैठेंगे। लेकिन जो साफ कर रहे थे उनको बड़े प्रशंसा कर रहे थे, पीठ में हाथ तब बताए क्या बढ़िया तुमने साफ किया, दूसरों को सिखा, मतलब क्या है? बोले मतलब है जो ठीक ठीक से भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कहते महाप्रभु उनको फिर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हें अपना हृदय को बहुत अच्छे तरह से साफ कर रहे हैं। इसलिए क्या करो, तुम भी साफ करो और दूसरों को भी सिखाओ। इसका मतलब क्या है? बोले मतलब है खुद भी भगवान की भक्ति करो और दूसरों को भी भगवान के बारे में बताओ, दूसरों को भी भगवान की भक्ति को बारे में दूसरों को भी बताया करने चाहिए। हैं कोई बढ़िया कोई चीज होता है ना, कहीं गोलगप्पे पराठा बहुत बढ़िया बिकता है, हम क्या कहते चलो वहां पर खाने के लिए जाएंगे। हैं इसलिए कहते अगर जो व्यक्ति खुद भजन करते हो दूसरों को भी भगवान के बारे में बताओ, दूसरों को भी समझाओ, दूसरे व्यक्ति भी भगवान की भजन करे, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए? पहले हमको हरिनाम करनी चाहिए, हमको हरिनाम करनी चाहिए, खुद को हरिनाम करते हुए और दूसरों को भी हरिनाम के बारे में दूसरों को भी लगाओ। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे मेरे प्यारे कौन है, मैं किसको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, बल्कि उसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे है। कहते ना तुम्हें वो माता चाह पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो सब। हाँ भगवान कहते ना हमारी वो पिता माता भाई बंधु भगवान ही हमारे सब कुछ है। लेकिन जो भगवान ही हमारी असली पिता माता भाई बंधु है लेकिन अभी हम भूल गए इस चीज को, भूल करके नकली पिता माता भाई बंधु बना लिया संसार में, नकली बना करके उसमें ही हम डूबे हुए। इसलिए भगवान कहते सब जीव मेरे संतान है और मेरे संतान होकर के मेरे को भूल करके ये संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। लेकिन जीव को शांति कब मिलेगा? बोले जब तक मेरे पास में जीव नहीं आएगा तब उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जो व्यक्ति मेरे भूले भटकते हुए जीव को मेरे पास में लेकर आ जाता है ना, मैं सबसे ज्यादा उसको प्रेम करता हूँ। इसलिए गोपियां कहती है भूरीदा जना, राधा रानी कहती है श्याम सुंदर जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले जगत में सबसे बड़ा दानी वह है जो भगवान की कथा को दान करते हैं, जो कथा को जगत में दान करते जगत में वो सबसे बड़ा दानी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो माया में जो भूले हुए भटकते जो जीव है किसी तरह से अगर उनको समझा बुझा करके एक व्यक्ति को मेरे पास में ले आता है ना, कहते करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगा जब कोई एक व्यक्ति को मेरे शरण में ले आते हैं उससे अनंत करोड़ गुण में ज्यादा पुण्य मिलेगा। हैं इसलिए कहते अनंत करोड़ गुण में ज्यादा पुण्य मिलेगा एक व्यक्ति को जो मेरे पास में ले जाता है। इसलिए कहते जगत में सबसे बड़ा दान। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु इसलिए प्रसन्न हो रहे थे, इसलिए खुश हो रहे थे महाप्रभु, जो तुम तो अपना हृदय को साफ भी कर रहे हो और दूसरों को भी शिक्षा प्रदान करो, और दूसरों को जो भक्ति प्रचार करते हैं ना उसको थपथपाता हूँ, पीठ पर हाथ थपथपाता हूँ, मतलब क्या उसको मैं बहावा देता हूँ, उसको मैं स्वागत करता हूँ जो दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है? हरिनाम करना और दूसरों को भक्ति में अनुप्रेरणा करनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरे अभी जो साफ नहीं कर रहा था मंदिर को, महाप्रभु उनको मीठी मीठी गाली दे रहे थे, अब बोल रहे थे देखो कौन मंदिर कितना साफ किया पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा? बोले कौन कितने धूल को इकट्ठा किया उसको देखने से पता चल जाएगा, धूल को जो इतना इकट्ठा उसको पता चल जाएगा कौन कितना मंदिर साफ किया। बोले इकट्ठे करो, जब उन्होंने इकट्ठा किया ना देखा महाप्रभु का जो धूल है ना जितने और मंदिर साफ कर रहे थे उनका धूल जितना हुई है उससे ज्यादा धूल महाप्रभु का हुआ है, सबसे ज्यादा जो इकट्ठे किया है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं
वहां पर कितने सारे भक्त थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, वहां पर गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, कितने भक्त थे एक साथ में, है कितने भक्त। और महाप्रभु अकेले, क्या महाप्रभु इतना सेवा किया, इतने धूल इकट्ठे, क्या सबसे ज्यादा कर सकते हैं? डबल तीन डबल हो सकता है, चार डबल हो सकता है, लेकिन सबका जितना धूल, सबसे ज्यादा धूल महाप्रभु के, इसको हो सकता है? इसका कारण क्या? बोले कारण है महाप्रभु किस भाव से मंदिर साफ कर रहे थे, बोले राधा जी की भाव से। कृष्ण निकुंज में आएंगे, वृंदावन धाम कुंज में कृष्ण आएंगे, वो कुंजों को राधा रानी साफ कर रही थी। महाप्रभु का मूड क्या है, मैं राधा रानी हूँ, कृष्ण ये कुंज में आएंगे, इसलिए मैं उसको मैं साफ कर रही हूँ, हैं? इसलिए मैं इसी भाव से साफ कर रही। अब बताओ, इनका नाम ही राधा है, राधा मतलब क्या? बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा, कृष्ण भी स्वयं जिनको आराधना करती, और कृष्ण को सेवा जो स्वयं कर, राधा मतलब क्या, सबसे जो कृष्ण की सेवा करती है ज्यादा, अनाराधित अनुनाम, जितने भी कृष्ण सेवा सब करते हैं, लेकिन पूर्णतम रूप में कृष्ण सेवा कौन करती है, बोले श्री राधा रानी करती है। आप बताओ, राधा रानी जैसे साफ कर सकती है, दुनिया में ऐसे और कोई साफ कर सकता है क्या? और ऐसे कोई नहीं साफ कर सकता है, इसलिए उन्होंने देखा सबसे धूल, सबका धूल से महाप्रभु का धूल ज्यादा हुआ है, महाप्रभु का धूल। महाप्रभु बोले देखो, जो मंदिर को साफ ठीक ठीक नहीं करेगा ना, उसको हमने दंड दूंगा, उसको मैं दंड दूंगा। बोले क्या दंड दोगे? बोले सब वैष्णव की सेवा करो, उत्सव भंडारा दो, फीस दो। इसलिए बोले भैया भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया चीज है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, महाप्रभु बोले तुमका दंड दूंगा, तुम चोरा हो, है राधा कृष्ण मेरी संपत्ति, महाप्रभु मेरी संपत्ति, और मेरे को बिना बोले और तुम महाप्रभु के पास में चले जाते हो, तेरे को दंड दूंगा। बोले क्या दंड? बोले सारे संतों की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो। नित्यानंद प्रभु, ये रघुनाथ दास को सब तो खुश हो गए, तो बहुत बड़े घर की हैं राजा जैसे, उन्होंने नाव में भर भर करके उन्होंने चिड़वा मंगाए, और दूध दही केला संदेश मंगाया हैं, और बढ़िया करके सारे संतों को उन्होंने भोजन करवाया, सारे संतों को भंडारा खिलाया, और भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है। नित्यानंद प्रभु है, उनको सर पर चरण रखा रघुनाथ दास गोस्वामी का, आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया तो फिर तो रघुनाथ दास गोस्वामी पहले जब चले जाते थे, पिता बारंबार पकड़ पकड़ कर ले आते थे, लेकिन जब सारे भक्तों की सेवा की ना, फिर गए तो फिर दो बार उनको कोई वापस नहीं ला पाए, फिर तो पूरा के पूरा उन्होंने भगवान के भजन में राधा कुंड में बैठ करके राधा रानी की लीला को चिंतन करते हुए, जब राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में बैठते थे, राधा रानी क्या करती थी, स्वयं अपना सुंदरी से उनके सर के ऊपर में ये छाया करके खड़ी रहती थी, हैं? छाया करके खड़ी रहती थी, तो इसे उन्होंने राधा रानी की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए महाप्रभु बोले देखो, तो मंदिर को सिर्फ ठीक से साफ नहीं कर रहे, तो दंड मिलेगा। मंदिर मतलब अपना हृदय, हृदय तुम ठीक से साफ नहीं कर रहे हो, दंड क्या मिलेगा? वैष्णव सेवा करो, सब वैष्णव की सेवा करो, वैष्णव का सेवा करो। तो प्रभु बात कहते उन्होंने ऐसे क्यों बताया, कारण क्या है? पहले उसका कारण बताए, भजन कब हम कर सकते हैं? कहते ना, सत्संग प्राप्त ही पुंभी सुकृत ही पूर्व सचिते, जब तक हमारी पूर्व जन्म की संस्कार नहीं हो तब तक हम भक्त नहीं कर सकते, संस्कार होनी चाहिए पूर्व जन्म का। अभी प्रश्न है संस्कार कैसे बनेगा, जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे, गुरु जी की वैष्णव की सेवा करेंगे, जब उनकी सेवा से संस्कार बनेगी, जब उनकी सेवा से संस्कार बनेगी, फिर तो भगवान की भजन फिर कर सकते हैं, हैं? देखो हम सब चीज जानते हैं, भजन करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब भजन करते मन इधर उधर भागता रहता है, हैं? पता नहीं मन कन का भागता है, जानते हैं प्रभु का नाम लो भक्ति कर, क्यों? कारण किया, हमारी पूर्व जन्म का संस्कार कम है, हमारे संस्कार है नहीं, इसलिए भजन में मन नहीं लगता है, फिर मन कैसे लगेगा? लेकिन जब हम वैष्णव की ठाकुर जी की सेवा करेंगे, फिर उसमें संस्कार बनेगी, फिर वो संस्कार बनेगी ना, फिर तो जाकर के भक्ति कर सकते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, हाँ अब लोग इसको गांठ बांध लो, मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन ये भक्ति में लगाओ। हम सुनते ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया
अनर्थ निवृत्त रुचि आसक्ति भाव प्रेम बोलते हैं, स्नेह मान प्रणय हम बहुत बहुत कुछ बोलते हैं, हैं? तो गुरुदेव कहते थे भैया देखो सुनते तो बहुत कुछ लेकिन जब तक ये संस्कार हमारे नहीं होना भजन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे आप भी इसको गांठ बांध लो। मेरे गुरुदेव कहते थे जो काम अभी हम कर रहे हैं जैसे रोज सवेरे उठते हैं ठाकुर को आरती करते हैं गल में तुलसी है तिलक है अपना गुरु मंत्र जप करते हैं हरिनाम करते हैं ठाकुर को सेवा पूजा जितना हो पड़ करता है तुलसी परिक्रमा तुलसी पानी देते हैं। गुरुदेव कहते थे किसी तरह से ऐसे एक जीवन बिता दो गुरु वैष्णव से दूर मत रहो, जो गुरु वैष्णव का संग कर रहे हो ऐसे एक जीवन करो जो कर रहे हैं उसकी संस्कार हमारी बन रही है, हमारी संस्कार तैयारी हो रही है, संस्कार तैयारी जो रोज रोज जो ठाकुर का नाम कीर्तन तुलसी पूजा करते हैं वो संस्कार बन रहे हैं। ये संस्कार जब दृढ़ होगा ना बस अपने आप ये मन भजन में लगेगा, अपने आप हमारी मन भजन में लगेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक जीवन किसी तरह से शरीर को रगड़ करके गुरु वैष्णव ठाकुर को सेवा करो, रगड़ करके सेवा करो, जब करेंगे वह संस्कार बनेगा और भक्ति कभी भी घट करके नहीं। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाय, ये भक्ति बढ़ करके प्रकट होती है। अगले जीवन में जितने भक्ति किया ना ये ब्याज समेत आपको अगले जीवन में मिलेगा, ब्याज समेत है। ये भक्ति कभी घटेगी नहीं, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये भक्ति कभी घटेगी नहीं, अगले जीवन में पूरा के पूरा आपको ब्याज समेत मिलेगी। इसलिए क्या करो रोज तिलक गुरु मंत्र हरिनाम ठाकुर का आरती तुलसी पूजा ठाकुर को भोग लगाना जो तो हरिनाम करते हो हरिनाम उसको रोज रोज करो उसको है यही क्योंकि यही तो मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। आंख बंद होते ही यहाँ के सारे संबंध खत्म है, है? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए महाप्रभु बोले क्या कर सब सेवा करे वैष्णव भक्तों की सेवा करो उनकी सेवा से संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो धीरे 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 भक्ति जगत में तुम्हारी उन्नत धीरे 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 तभी भक्ति जगत में उन्नत होगा नहीं तो भक्ति जगत में उन्नत तुम्हारी नहीं होगी। जब महाप्रभु मंदिर साफ कर रहे थे इतने में एक भक्त ने क्या किया कुछ पानी ला कर ना महाप्रभु के चरणों पर डाल दिया, महाप्रभु के चरणों पर जो डाल दिया जब डाल करके उन्होंने चरणामृत ले लिया, जब चरणामृत ले लिया इतने में महाप्रभु देख करते बिगड़ गए। बोले भगवान की मंदिर ठाकुर जी का मंदिर है महाप्रभु से क्या दे रहे हैं, अंदर में खुश है अंदर में प्रसन्न है क्योंकि महाप्रभु तो वही जगन्नाथ है ना, वही जगन्नाथ उनका चरण धोया मतलब खुश हुए चरणामृत लेकिन ऊपर से सिक्ख्या दे रहे। तब उन्होंने स्वर्ग दामोदर को बोले देख तुम्हारी गौड़िया ने क्या कर लिया, कहां भगवान के मंदिर में, भगवान के मंदिर में मेरे चरण धोया, चरण धोकर उन्हें चरणामृत लिया मेरा तो भक्ति खत्म हो गई। महाप्रभु सिख्या दिया, सिख्या देते हैं कभी भी मंदिर को अंदर में हाँ ठाकुर जी के मंदिर में कभी प्यार नहीं धोनी चाहिए, जब अंदर में जाओ प्यार धो करके जाओ लेकिन भगवान के मंदिर के अंदर में प्यार नहीं धोनी चाहिए। इतने में उन्होंने क्या किया स्वर्ग दामोदर ने उनको गले में धक्का दे करके ना वहां से निकाल दिया, बाहर निकाल करके आए हैं, बाहर निकाल करके आए। फिर महाप्रभु ने फिर प्रसन्न हो गए, महाप्रभु खुश हो गए हैं महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर में जाते थे महाप्रभु वहां पर जो सिंह दरवाजा में ना महाप्रभु चरण धो करके तब अंदर में जाते थे। गए हो पुरी, गए हो पुरी? अब देखना वहां पर अभी भी नियम है जब जो व्यक्ति अंदर में जाते वहां पर पानी है ना देखे ना पानी, वो पानी को ऊपर होते हुए जाते चरण धो करके जाते लेकिन महाप्रभु का स्ट्रिक नियम था। क्या नियम था, वो अपना सेवक को बोल देते गोविंद देखो क्योंकि महाप्रभु जब चरण धोते तो भक्तों को लालायित होते थे महाप्रभु का चरणामृत, महाप्रभु का चरणामृत। लेकिन महाप्रभु कहते खबरदार मेरे चरणामृत किसको मत देना, किसको नहीं देना चरणामृत, जब तक ये पानी सूख नहीं जाए तब तक तू यहाँ खड़ा रहना, तब तक खड़ा रहना। महाप्रभु क्या क्यों ऐसे क्यों सिख्या दिया, बोले महाप्रभु इसलिए सिख्या दिया कुछ लोग है ना कुछ लोग बोले महाप्रभु तो चरण धो करते सबको चरणामृत देते हम भी चरणामृत देंगे, हम भी चरणामृत देंगे
इसलिए उन्होंने ये चीज को सिखा दिया है, जो अधिकारी व्यक्ति ठीक है, जो अनधिकारी जिसको अधिकार है ही नहीं है, अगर उनकी चरण धोकर चरणामृत लेके क्या होगा, कुछ लाभ होने वाले नहीं। उदाहरण दिया है, अगर किसको टीबी का रोग हो ना, टीबी का बीमारी, अगर वो जो चीज खाता है ना उसका झूठा कोई खाएगा उसको भी टीबी की बीमारी हो जाएगी, हो जाती कि नहीं हो जाती है। हाँ, इसलिए जिसका जो अभी जो फ्लू आया था, कोरोना आया था, देखा ना कहाँ कहाँ फैल गया। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं जिसका ठीक, उसी तरह अगर कोई शुद्ध भक्त है, अगर उनकी चरणामृत अगर हम लेते हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवत भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है तीन चीजें, एक भक्तों का चरणामृत, दूसरा भक्तों का चरण धूली, तीसरा उनको प्रसाद। कहते जो तीन चीज जितने जल्दी भक्ति देता है जगत में इतना जल्दी और कोई भक्ति नहीं देता है, लेकिन दो चीज निर्भर करता है, क्या चीज, एक तो सचमुच से वो शुद्ध भक्त होनी चाहिए, और दूसरी चीज है हम किस भाव से वो प्रसाद को ले रहे हैं। गुरुदेव जो प्रसाद पाए उसमें जो पनीर का सब्जी हो और उसमें जो और जो मीठा चावल बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला हो उसको लपक कर खा ले, लेकिन उसमें जो साधारण दाल भात नहीं ले, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए है। इसमें जो बढ़िया चीज है उसको नजर दे, गुरु जी खाने के बाद बढ़िया रसगुल्ला है, रसगुल्ला नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए गुरु जी का प्रसाद क्या है, सब प्रसाद प्रसाद है, सब प्रसाद प्रसाद है। इसलिए एक तो भाव से ले, दूसरा चीज है सचमुच से हम जिनका प्रसाद ले रहे हैं सचमुच से उनको हृदय शुद्ध हो निर्मल हो तभी ये प्रसाद काम करेगा, नहीं तो प्रसाद नहीं काम करेगा। इसलिए श्री नारद जी कह रहे हैं व्यास देव को, बोले व्यास देव मैं अपना अनुभूति तुमको बता रहा हूँ, मैं इतने बड़े साधु जगत कैसे बना, इतने बड़े साधु जगत में कैसे बन गया। कहते उचिष्ट लेपानुगृहित जय सकृत भुंजास्मृतम, वो कहते हैं एक बार केवल मैंने संतों का अधरामृत लिया, केवल प्रसाद लिया, उचिष्ट एक बार केवल लिया तो हृदय में भगवान के प्रति मेरे प्रेम प्रकट हो गया। एक बार संतों की हम बोले हम बहुत बार ले रहे, हमारे क्यों नहीं हो रही, हमारे क्यों नहीं हो रही। इसमें दो चीजें है, एक तो संत वो होनी चाहिए, दूसरी हम किस भाव से ग्रहण करते हैं, ये चीज को ग्रहण निर्भर करता है। इसलिए महाप्रभु वहां पर किसको चरणामृत लेने नहीं देते, इसलिए उसको निकाल दिया वहां से मंदिर से। अरे महाप्रभु खुश होकर सबके सब मंदिर साफ कर रहे हैं। जब मंदिर महाप्रभु साफ कर रहे थे, साफ करते करते तब यहाँ पर श्री प्रभुपाद यहाँ पर उसके ऊपर बहुत बड़ी टीका लिखे, महाप्रभु उसके ऊपर में क्या शिक्षा दिया है, ये गुंडीचा मंदिर क्यों मार्जन कर रहे हैं। बोले कारण है गुंडीचा मंदिर नहीं, ये हमारे हृदय है। अगर हम अपना हृदय में भगवान को अगर बैठाना चाहते हैं पहले क्या करो, साफ करो हृदय को, पहले साफ करो है। इसलिए हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर जो भरा पड़ा हुआ है इसको क्या करो, उसको साफ करनी चाहिए, तभी तो महाप्रभु आकर के कृष्ण आकर के पहले बैठेंगे। इसलिए पहले उन्होंने किसको साफ किया, पहले उन्होंने धूल को उन्होंने हटाया। कहते ये धूल क्या है, बोले कर्म वासना को धूल कहते हैं। कर्म मतलब क्या होता है, बोले कर्म मतलब क्या, बोले कर्म मतलब ये होता है जब तक ये दुनिया में हम रहेंगे बढ़िया से खाएंगे पिएंगे अपना संसार दुनियादारी बीवी बच्चे पुत्र परिवार को साथ में जब तक रहेंगे तब तक बोले खाएंगे पिएंगे और ऐसे करेंगे भोग सुख करेंगे और अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाएंगे। रंभा उर्वश मैंने का बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां हैं, पारिजात पुष्प है, बस वहां पर ऐसे करेंगे। यही कर्म वासना है, यही कर्म वासना है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, पहले इसको निकाला, ये चीज को पहले निकाले, बोले नहीं ये चीज को पहले हटाओ। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति क्या है, ऐसे काम हम करें जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी प्रसन्न हो, ऐसे काम करें जिससे साधु संत गुरु वैष्णव प्रसन्न हो, ये भावना हृदय में ये भावना रहनी चाहिए। इसको कहते अन्याभिलाष, दूसरे जो अभिलाष को हृदय से त्याग करो। इसलिए जो कुछ हम घर में काम करें उसका उद्देश्य एक ही होनी चाहिए, कैसे ठाकुर जी, पैसा कमाओ, पैसा घर कुछ भी नहीं होता, लक्ष्मी है, पैसा कौन है, लक्ष्मी, उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं, खूब लक्ष्मी कमाओ
क्यों? लक्ष्मी नहीं होगा तो हम भजन कैसे करेंगे, ठाकुर को भोग कैसे बनाएंगे? पैसा होगा तो हम तो ठाकुर को सेवा करेंगे हैं? इसलिए बोले लक्ष्मी की दो वाहन है। कितने वाहन है? एक उल्लू है और एक गरुड़ है। लेकिन जब हम लक्ष्मी को अपना घर में बुलाते हैं, लक्ष्मी आओ हैं, बोले क्यों लक्ष्मी आओ? बोले तेरे को हम भोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐसे रहेंगे। लक्ष्मी तो बिगड़ती है, बोले मैं नारायण की हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं नारायण की हूँ, तुम मेरे को भोग कराना चाह रहे हो। तब वो उसी समय लक्ष्मी क्या करती है, वो उल्लू को ऊपर पीठ पर बैठ कराती है। उल्लू कौन है? उल्लू हम देखते तो उल्लू है ना, क्या मूर्ख हैं? हिंदी में तो गाली बोले उल्लू के पट्टे है, वहां पर गाली देते हैं, हैं? इसलिए उसी समय में क्या करती है लक्ष्मी, वो उल्लू को पीठ पर बैठ करके आएगी और सीधा हमें नरक का रास्ता खाली कर देती है। बोले मेरे को तुम भोग करोगे, लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ क्यों? बोले माँ लक्ष्मी आओ, तेरे बगैर ठाकुर को सेवा कैसे होगा, आओ घर में। तब लक्ष्मी उस समय अब देखना वो गरुड़ को पीठ पर बैठ के आती है। अब देखना जो गरुड़ भगवान के मंदिर में रहता है, अब देखना गरुड़ को ऊपर में कभी भी लक्ष्मी अकेली नहीं होगी और नारायण को साथ में बैठी होगी। और नारायण को साथ में मतलब क्या, जब लक्ष्मी आती हो अकेली नहीं, गरुड़ को ऊपर बैठ कर आएगी नारायण को साथ में, और नारायण जहां पर नारायण आए वही वैकुंठ हो गया, वही भगवान का मंदिर हो गया, ठाकुर की दरबार हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं खूब पैसा कमाओ, बढ़िया घर सब कुछ बनाओ, लेकिन उद्देश्य क्या होनी चाहिए, घर नहीं ठाकुर का मंदिर है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। जिस दिन घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति हो वो घर नहीं वही गोलोक वृंदावन है, वो भगवान के मंदिर हो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैंने राधा रानी के निकुंज मंदिर को यहाँ पर प्रकट किया है। प्रभुपाद कहते थे जो गौड़ीय मठ और मेरे जो गृहस्थ भक्त का घर नहीं वही राधा रानी के निकुंज मंदिर। क्यों? निकुंज मंदिर में जैसे कृष्ण की सेवा होती है राधा रानी की, जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा हो वही घर ही भगवान की मंदिर है, वही भगवान की मंदिर है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो कर्म वासना मतलब है नहीं खुद खाएंगे भोग करेंगे नहीं, ये बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। छोड़ करके ये बुद्धि होनी चाहिए हम जो कुछ कर रहे हैं जत करो से जत सनासी जत जोहो से जदा से जत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो कुछ तुम करो तत् कुछ मदर्पणम, वो सबके सब मेरे लिए क्या करें, किसके लिए करेंगे? सबके सब भगवान के लिए हम करेंगे, ठाकुर जी लिए। इसलिए उन्होंने धूल को यहाँ पर हटाए, देख लो तुम्हारे पर क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने पहले उन्होंने धूल को उन्होंने हटाया, बेटा जी तो गड़बड़ी नहीं, इसलिए पहले उन्होंने धूल को हटा दिया। लेकिन जब धूल को हटा दिया ना, फिर वहां पर देखा एक कंकड़ घुसे, वहां पर कुछ कंकड़ है। हरि बोल, हरे कृष्णा, बोले ना बेटर ठीक सही हो गया, तुम्हारे हाथ लग गया सही हो गया, छोड़ दो छोड़ दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। बैटरी यहाँ पर बैटरी तो ये नहीं होगी, मुझे लगता है। हरे कृष्ण, हाँ यहाँ पर जल नहीं रहा है। हाँ हरे कृष्ण, हाँ उसको दे दो। हरे कृष्ण, हरि बोल हरि बोल। उसका इको बंद कर दो और साउंड तेज कर दो उसका, इसका इसको इको बंद कर दो इसको। आवाज आ रही ना, ये बढ़िया है, इसको छोड़ो। निताई गौर ब्रह्मानंदे। फिर उन्हें जो झाड़ू लगा कर साफ कर दिया ना, लेकिन झाड़ू तो ऊपर जो धूल तो हटा दिया, लेकिन वहां पर फिर देखा वहां पर क्या है, वहां पर थोड़ा थोड़ा कंकड़ है, वहां पर कंकड़ है। बोले भैया ये कंकड़ को भी हटाओ, ये कंकड़ को भी हटाओ। बोले ये कंकड़ क्या है? बोले कभी कभी तो ये कर्मों को हम त्याग दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ये ज्ञान रह जाती है, हैं? ज्ञान मतलब है जो चाहते हैं। इसलिए दो तरह का ज्ञान, तत्पदार्थ और तम पदार्थ, दो ज्ञान है। एक जो ज्ञान हम भगवान की संतान, ये ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति चाहते हैं लास्ट में अपना सत्ता को हम ब्रह्म ज्योति में हम लीन कर देना चाहते हैं,
क्योंकि जब तक इसी संसार में रहेंगे तब तो दुख कष्ट है, इसलिए कहते ना न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तक जन्म लेंगे तब तक तो दुख कष्ट भोग करेंगे संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट भोग करेंगे, लेकिन जो बांस ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो अपना सत्ता को, जो ज्ञानी लोग चाहते हैं, जो शंकराचार्य जी का जो फिलोसफी है वो जाकर के ब्रह्म ज्योति में ही लीन कर दो है, ये जो ज्ञान वो जो कंकड़ है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जो लोग ज्ञानी मेरे को निराकार मानते हैं, भगवान का रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं, वो तो निराकार ज्योति है। महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु बड़े क्रोधित होकर कह रहे हैं, महाप्रभु बोले जिस रूप को भागवत में कल सुन रहे थे ना कृष्ण कितने सुंदर है, बरहा पीड़म नटवर वपु, गोपियां जैसे कृष्ण का सुंदर को वर्णना करती है, जिस रूप को स्वयं राधा रानी पूजा करती है, गोपियां जिन रूप को पूजा करती है, भक्त जिस रूप को पूजा करते हैं, जो इतने सुंदर कृष्ण हैं और उनने कृष्ण रूप में आए कितने सुंदर सुंदर उनने लीला की है, हाँ पुतना कुमारी जन्म ग्रहण किया, नंदे का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कितना सुंदर ठाकुर जी लीला किया है, घर घर में ठाकुर जी मक्खन चोरी किए, चोरी किए कि नहीं ठाकुर जी, घर घर में मक्खन चोरी करते थे ना, इसलिए एक समय कृष्ण मक्खन चोरी के लिए गए, एक लीला सुन लो, मक्खन चोरी के लिए रोज गोपियों के घर में जाते थे, एक गोपी ने सोची कृष्ण तो आते हैं मक्खन तो चोरी करते हैं, कृष्ण तो खाते हैं लेकिन कृष्ण को दर्शन तो होता है, लेकिन कृष्ण झट भाग जाते हैं, फिर कृष्ण का दर्शन फिर नहीं होता है, इसलिए फिर वो दुखी हो जाती है, बोले आज अगर घर में कृष्ण आएंगे ना कृष्ण को मैं बांध करके रखूंगी और पास में बैठ करके खूब उनको निहारूंगी, खूब अच्छे तरह से देखूंगी है, अच्छे तरह से देखूंगी। इतने में गोपी मटकी में मक्खन भर के रख ली और घर की कोने में चुप करके बैठी गई, आज कृष्ण को पकड़ कर बांधूंगी। कृष्ण आए इधर देखे उधर चारों तरफ में देखे, लेकिन देखा कोई है ही नहीं, जैसे बिल्ली चलता है ना, देखना बिल्ली ऐसे चलता है सूखे पत्ते के ऊपर प्यार रखे तभी आवाज नहीं होगा, मतलब उसका जो चलने का जो टेक्निक ऐसे है। इतने में कृष्णा धीरे धीरे बिल्ली जैसे अंदर में धीरे धीरे गए, बास मक्खन खाने लग गए, वो गोपी तो देख कर खुश हो गए, बोले वाह आज मक्खन बनाना सार्थक तो हो गया, क्योंकि आज ठाकुर जी मक्खन को आर प्रसाद सेवा कर रहे खा रहे, बड़ी खुश हो गए। लेकिन कृष्ण जब मक्खन खा लिए ना, इतने में गोपी आकर झट पकड़ ली, बोले कहाँ जाओगे आज तेरे को मैं बांध कर रखूंगी। कृष्ण ने कहा देख गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन खा रहा था, बोले अपना घर में खा रहा था अभी मजा चखाऊंगी है, आओ इधर, बोले कहाँ, बोले पिलर में हाथ रख, आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी घर में है, वो सोच रही थी बांध करके पास में बहुत अच्छे तरह से देखूंगी। इतने में कृष्णा हाथ रखे, वो अपना जो चोटी होता है ना जो रिबन फीता से, वो फीता को निकाले और जो कृष्ण को बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ गई से मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, जो बांधने के लिए जाए ना और बंधे ही नहीं, खिसक जाए, किसी तरह से बंधने में नहीं खिसक जाता है। इतने में कृष्णा कहते बोले गोपी तुमने खुद कभी बंधी गई कि नहीं, तुमने कभी खुद बंधी गई कि, बोले नहीं बंधी नहीं गई, बोले जब तक खुद बंधी नहीं जाओगे दूसरों को कैसे बांधोगे, पहले तो खुद बंधो फिर तो किसको बांधोगे। बोले कन्हैया तेरे को क्या बांधना आता है, बोले और क्या बढ़िया से आता है, बोले तो सिखा दे, बोले हाथ रख, बोले तेरे को सिखा दे, और गोपी ने हाथ रखे। इतने में कृष्ण एक बार घुमाया दो तीन बार घुमाया और एक गांठ दो गांठ और गुण अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया बड़े सुंदर तू बांधना जानते हो, बोले और क्या, तेरी बात छोड़ दे जो ब्रह्म में जो डूबे होने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म वो ब्रह्म ज्ञानी पहले थे, ब्रह्म को चिंतन करते थे, चतुस्वर पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, शंकर भी स्वयं पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भगवान की लीला में भगवान की कथा में इतने मीठा है इतने रस है, उन लोगों ने केवल सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कितने सुंदर है एक बार सुने तो पागल हो गए सब छोड़ दिया। चतुसन पहले ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन जब वैकुंठ गए ठाकुर को एक बार दर्शन किया तो कहते इन्हीं बिल्लो का तो हति अरसिता बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी थे, वो पहले ब्रह्म ब्रह्म ध्यान करते थे, लेकिन जब राम लक्ष्मण अयोध्या में आए ना, राम लक्ष्मण जब अयोध्या में आए, इतने में जब अयोध्या में आए पहले तो ब्रह्म ब्रह्म करते थे, लेकिन जब उन्होंने राम रूप को देखा और राम रूप कहते इन्हें बिलो को तो अति हर सीता, लेकिन जब एक बार राम रूप को देखा
देख करके इतने आनंद में वो डूब गए, इतने रस में डूब गए, बोले बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो जो ब्रह्म 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 कर रहे थे, हृदय से अपने आप ब्रह्म ज्ञान खत्म, वो ब्रह्म ज्ञान खत्म हो गया। और वो ब्रह्म ध्यान नहीं आता है, जब ध्यान करे ना राम लक्ष्मण दिखते हैं, वो समझ गए जो राम लक्ष्मण ये ब्रह्म नहीं, ये परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं ये परम ब्रह्म राम लक्ष्मण है। और सीता, सीता को क्यों उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों किया, जो धनुष उठाएगा उसको साथ में शादी होगा, क्यों? क्योंकि जो धनुष, जो शिव धनुष था वहां पर, जो शिव धनुष था वो इतने भोजनदार था, कहते जिसको 400 व्यक्ति भी उठाना कठिन होता था, इतने बड़े धनुष। लेकिन सीता क्या करती थी, जी घर में जो पोछा लगा करते ना, उसको एक हाथ से सीता उठा लेती थी और उसका नीचे पोछा लगा देती थी। जनक महाराज बोले बाबा, जिसको 400 व्यक्ति उठाते हैं, मेरी बेटी एक हाथ से उठा लेती है और उसको पीछे पोछा लगा देती है, इसका मतलब है भैया मेरी बेटी लक्ष्मी साख्या, मेरी बेटी लक्ष्मी, अगर वो लक्ष्मी नहीं होती तो वो कभी भी एक हाथ से धनुष को नहीं उठा सकती थी, वो लक्ष्मी होगी। फिर उन्होंने देखा लक्ष्मी को साथ में नारायणी का ही शादी हो सकता है, लक्ष्मी को नारायणी की शादी कर सकता है। लेकिन पता कैसे चलेगा ये नारायण है, पता कैसे चलेगा ये नारायण है, पता चलेगा अगर ये धनुष को अगर कोई उठा दिया तो पता चलेगा वही नारायण है, फिर तो मेरी बेटी को साथ में उसकी शादी होगी। इसलिए जनक महाराज ये प्रतिज्ञा की। लेकिन जब राम लक्ष्मण आए ना, जब उन्होंने राम को उन्होंने देखा, राम को देख करके समझ गए ये नारायण है, ये नारायण है। क्योंकि अभी तक मैं तो ब्रह्म 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 कर रहा था, लेकिन जब से मैंने इनको देखा मेरे हृदय से ब्रह्म कहाँ चला गया, अभी तो राम के सिवाय मेरे को कुछ दिखता नहीं। और जब राम को देखे है ना जनक महाराज, तब वो सोच रहे थे, अब देखना जिस घर में बेटी बड़ी हो गई, अब ध्यान देकर देखना, जिस घर में बेटी बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, पिता माता क्या करते हैं, वर ढूंढते हैं ना, मेरी बेटी के लायक कहीं वर मिल जाए, हर पिता माता ढूंढते हैं। अब देखना कोई अच्छे कोई लड़के को देखना, क्या मन में सोचता है, अगर ये लड़का अगर मेरी बेटी के लिए हो तो, आता है ना भाव, मेरी बेटी के लिए एक लड़का हो तो, सब चाहते हैं ना मेरी बेटी के लिए ये लड़का हो। इसलिए जनक महाराज जब राम लक्ष्मण आए, राम लक्ष्मण जब आए, जब उन्होंने राम को दर्शन किया, दर्शन करके अभी तो बड़े सुंदर, वो तो साक्षात नारायण है राम, अभी उनको देख करके सोच रहे हैं भैया लड़का तो बड़ी सुंदर है, ये बड़े सुंदर लड़का है, हैं बड़े सुंदर लड़का है। फिर हमारी धर्म है ना, अपना जात में शादी देते हैं। इतने में उन्होंने विश्वामित्र जी को पूछा कि जो बेटा राम है ये कौन सा घर, किसके बच्चे है ये बच्चे किसके हैं? बोले ये दशरथ महाराज का, क्षत्रिय घर के दशरथ महाराज का बच्चे। बोले वाह, काम बन सकता है काम बन सकती है, क्योंकि ये भी क्षत्रिय है ना, वो भी क्षत्रिय है, दोनों क्षत्रिय है। और सीता तो लक्ष्मी है, बड़ी सुंदरी मां लक्ष्मी, अगर वो राम भी बड़े सुंदर है, फिर जब सुना ये क्षत्रिय है, बोले भैया काम बन सकता है, ये काम बन सकता है। फिर सोच रहे, बोले भैया काम तो बन सकता है, लेकिन गड़बड़ी। बोले क्या है गड़बड़ी? बोले मैंने प्रतिज्ञा किया ये धनुष को जो उठाएगा उसको साथ में सीता की शादी होगी, लेकिन धनुष तो साधारण है, शिव धनुष है, उसको तो 400 व्यक्ति उठाते हैं, ये क्या उठा पाएगा, इतना छोटा होकर क्या उठा पाएगा? फिर वो याद कर रहे हैं, हमने सुना ये पुतना को जैसे मारा, नहीं ये तारका को उन्होंने मार डाला है, तारका को उसने मारा है। फिर उन्होंने सुना है उन्होंने खौर दूषणों को भी मार डाले, हैं खौर दूषणों को भी मार डाले। और फिर आते समय वो अहल्या पत्थर बन करके थी, जब प्रभु का चरण स्पर्श हुआ ना वो पत्थर भी बड़ी सुंदरी हो गई। बोले मैंने सुना ये बच्चा इतने इतने बड़े बड़े काम किया है, इतने बड़े बड़े काम किया, भैया काम बन सकती है, हमारी बेटी के लायक ये बन सकती, बेटी को साथ में शादी हो सकती है। जब शादी हो सकती, इतने में अभी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को कहां पर रखवाए, राम कथा सुन लो, इसलिए विश्वामित्र को कहां, ये राम लक्ष्मण को कहां पर रखा है विश्वामित्र जी को? बोले जानकी के लिए उन्होंने जो कि सुंदर वाटिका थी ना, कहते उसी वाटिका में ये राम लक्ष्मण रखा, उन्होंने राम लक्ष्मण को वही स्थान दिया। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है ये कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन है, ये भक्ति देवी, राधा रानी को भक्ति देवी कहते हैं ना, भक्ति देवी कहती हैं। बोले भगवान का निवास कहाँ पर होता है? बोले जहाँ पर भक्ति,
जहां पर भक्ति है ना, भक्ति जहां पर वहीं पर भगवान का निवास होती है। और सीता जी की जो वाटिका है, सीता जी की जो भवन है, वो भक्ति देवी है। और भक्ति देवी जहां पर वहीं पर ही क्या हो सकती है, वो निवास हो सकती है, हैं? इतने में हमारे श्री विश्वामित्र जी उपयुक्त समय पा करके उन राम लक्ष्मण को भेजे, बोले जाओ ठाकुर जी के लिए कुछ फूल चयन करके लाओ, कुछ फूल तोड़ करके लाओ, हम ठाकुर का सेवा करेंगे। लेकिन जब उन्होंने गए फूल चयन करने के लिए, सीता जी की वाटिका थी, लेकिन जो सीता जी की वाटिका थी वहां पर वर्णना करते हैं, वहां पर कोई एक फूल भी सूखा नहीं था, एक लता भी सूखा नहीं था, एक पेड़ भी सूखा नहीं था, सारे पेड़ हरे भरे, सारे फूल खिले हुए, सारे लता हरे भरे। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, जहां भक्ति देवी का आश्रम होता है ना, जहां भक्ति निवास करती है, वो व्यक्ति हर समय हरे भरे रहेगा। जो भगवान की भजन करता है ना, देखना हर समय हरे भरे। इसलिए बोले वैष्णव संगत मन आनंदित अनुक्षण, आनंद मिलेगा कब? जब संतों की संग करेंगे, भक्तों की संग करेंगे, तभी जीवन में आनंद रह सकते हो। लेकिन भगवान की भक्ति से अगर दूर रहोगे भैया, तो फिर दुखी दुखी रहोगे। क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया, खुद कहते दुख का घर है। कृष्ण खुद कहते संसार क्या है? दुखालयम, ये दुख का घर है। असासत्वम, ये संसार अनित्य है, और ये दुख, संसार दुख का घर है। लेकिन आनंद कहाँ पर है? सच्चिदानंद रूपाय भगवान, सचिद आनंद में भगवान है। अगर उनकी चरण में जुड़े रहेंगे ना भैया, फिर तो शांति शांति में रहोगे, फिर आनंद आनंद रहोगे। इसलिए वहां पर क्या देखा, पूरा पूरा बगीचा पूरा हरी भरी है, वहां पर एक फल पत्ते भी कोई सूखा नहीं। इतने में राम लक्ष्मण अंदर में घुस प्रवेश करना चाहते, लेकिन वाटिका का जो बगीचा की रखवाली कर रहे थे माली रखवाली कर रहे थे, जब अंदर में घुस रहे थे राम लक्ष्मण, माली बोले भैया अंदर में घुस नहीं सकते। वो माली कहते अंदर में घुस नहीं सकते। बोले क्यों नहीं घुस सकते? बोले देखो, इसलिए नहीं घुस सकते हो, ये जो वाटिका का जो मालिक है श्री सीता देवी जी, हाँ आपको तभी अंदर में घुसने देंगे अगर एक बार सीता माता जी जयकार दे दो। तो एक बार सीता माता जी की जयकार दे दो, अंदर में घुसने देंगे। लक्ष्मण बोले सीता जी क्यों जयकार देंगे, हम देंगे तो मेरे प्रभु राम की जयकार देंगे, हम श्री राम की जयकार देंगे, सीता जी क्यों जयकार देंगे। बोले भैया ये वाटिका तो सीता जी की वाटिका है, हाँ जैसे वृंदावन में जाओ ना, देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, सब राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन में सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, वहां पर कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। भैया ये वाटिका सीता जी की है भैया, जब तक सीता जी की नाम नहीं बोलेगा ना अंदर में प्रवेश नहीं। मतलब क्या है? कहते मतलब है जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो, हैं, जब तक श्री राधा रानी की, लक्ष्मी की और सीता जी की कृपा नहीं हो ना भैया, भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते राधे राधे लौटते चले आएंगे बिहारी, राधा जी का नाम से भगवान प्राप्त होते हैं, उनके भक्ति की कृपा के बगैर प्रवेश कोई नहीं कर सकते। इसलिए बोले तुमको क्या बोलना पड़ेगा, सीता का नाम लेना पड़ेगा। लक्ष्मण बोले नहीं, हम तो राम का नाम लेंगे। इतने में राम बोले लक्ष्मण क्यों इतने झगड़ रहे हो, पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, हैं, घुसने नहीं दे रहे थे, और जब घुसने नहीं दे रहे थे फिर किसी तरह से घुसने दे रहे हैं। हर एक बार सीता जी का जयकार दे दो ना, उसमें क्या हो गया, एक बार सीता माता जी की जयकार दे दो बस। उन्होंने बोले श्री सीता देवी की जय। जब उन्हें सीता देवी की जय दिया ना, बोले भैया अभी घुस सकते, अभी तुम प्रवेश कर सकते हो। लेकिन जब उन्होंने अंदर में प्रवेश किया है ना, जब प्रवेश किया तो उसी समय में रामचंद्र फूल चयन नहीं कर रहे थे, वो पुष्प स्वयं इनके हाथ में समर्पित हो रहा था, फूल इनके हाथ में समर्पित हो रहा था फूल। बोले इसका मतलब क्या है? कहते इसका मतलब है, कहते ये फूल समर्पित क्यों हो रहे थे? बोले कारण है, सीता माता जी की जन्म कहाँ से हुई? अब बोलो सीता जी कहाँ से हुई? भूमि से हुई, इसलिए पृथ्वी क्या हो गई, माता सीता हो गई बेटी। अभी सीता जी के साथ में राम की शादी होगी, शादी होगी कि नहीं, शादी होगी, फिर ये पृथ्वी राम का क्या लग गई, सास, इनकी सासू लगी, सासू लगी, तो जितने वृक्ष है, फिर ये वृक्ष कौन हुए, पृथ्वी की बच्चे, ये हो गए राम का साले, साले हो गए ना, पृथ्वी से वृक्ष हुई है।
पृथ्वी से जब वृक्ष हुई है तब पृथ्वी की बच्चा हो गया ना, बेटा हो गया। जब बेटा हो गया तब भगवान राम का ही साले साहब हो गए। अगर घर में अगर कोई दामाद आते हैं ना, अब देखना दामाद को कोई काम करने नहीं देते भारत में, काम करने नहीं देते ना उनको, सेवा दामाद की सेवा करते हैं, दामाद की काम करने नहीं देते। इसलिए भगवान राम आए मतलब ये दामाद है और साला साहब उनको सेवा कैसे करने थे कि फूल चयन करना। इसलिए भैया कुछ जरूरत नहीं, हम स्वयं फूल तुमको हाथ में स्वयं तुम्हें फूल अर्पण कर रहे हैं, वो फूल अर्पण करते थे। इसलिए इनकी सेवा कर रहे थे, फूल इनको स्वयं दे रहे थे, अर्पित सेवा कर रहे थे। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, जो फूल है ना वो जो खिले हुए जो फूल था वो फूल को तो अर्पित कर रहे थे, लेकिन उसमें जो अधखिले जो फूल थे ना, जो कलियां जो थी अधखिली जो कलियां, वो अभी दुखी हो रही थी। बोले दुखी, इतने में लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे तो इतने में लक्ष्मण बोले वो दुखी हो रही थी। लक्ष्मण बोले भैया दुखी क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? बोले क्या दुखी नहीं है, सुखी होंगे। बोले बताओ, बोले अगर आज हम खिले हुए रहते ना, भगवान राम तो खिले हुए पुष्पों का चयन कर रहे, ये स्वयं समर्पित हो रहे हैं। अगर आज हम खिले हुए होते तो प्रभु राम भी हमें स्वीकार करते, लेकिन हम तो प्रभु राम की सेवा में नहीं लग पाए क्योंकि ठाकुर जी हमें चयन नहीं कर रहे। लक्ष्मण बोले मैं हूं ना, चिंता क्यों करता, मैं सेवा में लगाऊंगा। लक्ष्मण कौन है? बोले गुरु जी। गुरु, गुरु क्या करता है? अधखिले मतलब जो योग्यता नहीं है, खिले हुए मतलब जिसके अंदर में योग्य है, अधखिले मतलब जिसके अंदर में योग्यता नहीं। बोले मैं हूं ना। लक्ष्मण बोले लक्ष्मण कौन? गुरु जी है। लक्ष्मण गुरु जी, इसलिए गुरु जी क्या करते हैं, जीवों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। बोले मैं करूंगा ना सेवा। इतने में उन्होंने क्या किया, अधखिले जो कलिया है ना उन्होंने तोड़ना शुरू किया और तोड़ तोड़ करके बड़े सुंदर उन्होंने माला बनाए। अब भगवान राम को बोले प्रभु आज मेरी इच्छा है आपको अपना हाथों से यहाँ पर श्रृंगार करो कुंज में। बोले कोई बात नहीं। इतने में लक्ष्मण ने सुंदर फूलों की माला बनाई, भगवान की जो चोटी है ना बड़े सुंदर चोटी को उन्होंने सजा दिया। तो यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं, जो खिले हुए फूल है वो प्रभु का हाथों में, लेकिन जो अधखिले फूल कहाँ पर है, ठाकुर का चोटी में, ठाकुर की चोटी में। मतलब क्या है? बोले मतलब है भले ही हम अधखिले कली क्यों नहीं हो, मतलब भले ही हमारी अंदर में कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं, अगर हम गुरु जी की शरण में आ जाए ना, गुरु जी हमें क्या करते हैं, ये अयोग्य व्यक्ति को भी उठा करके ठाकुर जी की सेवा में लगा देते हैं। लेकिन हम योग्य है, हर तरह से परिपूर्ण है, लेकिन अगर गुरु जी की शरण में नहीं गए ना, भैया जैसे तैसे रह जाओगे, हाथ में रह गया फूल वो ठाकुर की सेवा में नहीं लगवाए, लेकिन अधिकली फूल क्या हो गया, ठाकुर जी की सेवा में लग गया, ठाकुर जी की सेवा में लग गया है। इसलिए राम कथा बहुत है, इसलिए भगवान जो अगले और कभी सुनाएंगे, इसलिए और 5 मिनट सुन लो, ठीक है, समय ना 5 मिनट। इसलिए अभी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पहले उन्होंने कंकड़ को निकाले, कंकड़ किया है, कंकड़ किया बोले ज्ञान। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं जो मेरे को निराकार मानते हैं, मेरे स्वरूप नहीं है, हैं कहते वो जो स्तुति करते हैं मेरे को, स्तुति उनकी स्तुति नहीं, जैसे मेरे शरीर में तीर मारना होता है। बोले क्यों? बोले मेरे जो इतने सुंदर रूप, विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले सखाओं के साथ में, गोपियों के साथ में, राधा रानी का साथ में, इतने में लीला करता हूँ, ये मेरे इतने इस स्वरूप को निराकार कैसे कहते हैं, इनका रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं कैसे कैसे कहते हैं। इसलिए कहते उनका जो स्तुति स्तव है ना, उनका स्तुति स्तव क्या है, वो फूल की माला है ना उसे रख लो, ये तो आपको पिताजी को देते, दूसरी है, दूसरी है तो जल्दी ले आना। इसलिए वो कहते हैं जो दूसरी जो, हाँ इसलिए मेरे को जो निराकार कहते हैं उनका जो स्तुति कहते मेरे शरीर में तीर जैसे भेद करता है, कंकड़ जैसे। इसलिए भैया भगवान को भक्ति करना चाहते हैं ये ज्ञान को दूर फेंको। इसलिए कहते भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते, रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक की साधक के हृदय में भुक्ति और मुक्ति, भोग और मुक्ति की वासना रहेगा वो पिशाच ही है। जैसे कि उसको भूत लग जाए ना
हाँ, जैसे भूत लग जाने पर धीरे धीरे सारे खून को धीरे धीरे चूसना शुरू कर देती है, हैं? एक दिन मार डालती है, कहती है भुक्ति और मुक्ति, ये जो ज्ञान और कर्म, ये दोनों पिशाच ही सदृश, इसको निकाल हृदय से। इसलिए कंकड़ को वहां से निकाल दिया। लेकिन जब कंकड़ को निकाल दिया, फिर जब उन्होंने कंकड़ को निकाल दिया, निकाल करके फिर उन्होंने किया कि फिर उन्होंने पानी लाए, बोले पानी लिया, पानी लाकर इसको धोते हैं, पानी ला करके धोए, पानी लाकर धोए मतलब किया। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहते जो कहते हैं ना भक्ति का जो डेफिनेशन है दिया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा। जो उत्तमा भक्ति का जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, हैं डेफिनेशन जो दिया है, हाँ ठीक है, हमने ज्ञान और कर्म को हमने परित्याग कर दिया, कर्म वासना को जड़ कब, कर्म वासना ज्ञान को दूर कर, क्या भक्ति हो गई? नहीं, भक्ति नहीं हो गई, इसलिए इसको दूर कर दिया है। इसको दूर करना ही भक्ति नहीं, भक्ति कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भक्ति किसको कहते हैं? भगवान की कैसे सुख हो, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो, उनकी जब सेवा करेंगे, ये भक्ति है। ठाकुर को जब हम सेवा पूजा भक्ति करेंगे, उनके लिए सुंदर फूल की माला बनाए, भोग बनाए, ठाकुर जी को भोग उतारे, आरती किया ठाकुर जी को, यदि जो सेवा करोगे ठाकुर का श्रृंगार, ये भक्ति है, हैं? जैसे वो प्रसन्न हो, जैसे वो उसको भक्ति। इसलिए कहते ज्ञान कर्म को तो त्याग दे दिया, उसे झाड़ू देते निकाल दिया, फिर क्या करना पड़ेगा? हृदय को शांति कैसे मिलेगा? शांति जैसे पानी लाकर किसी घर को धो दो ना, क्या ठंडा हो जाता है ना पानी से, अगर घर को जैसे गर्मी है, घर को पानी में धो दो, क्या घर ठंडा ठंडक हो जाती ना, कि तो उसी तरह हृदय में ठंडा कैसे आएगा, हृदय को शांति कैसे मिलेगी? बोले हृदय को तभी शांति मिलेगी जब भगवान की सेवा करोगे, ठाकुर जी की भक्ति करोगे, ठाकुर को पूजा सेवा करोगे। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से साड़ी पहन करके सूट सलवार बढ़िया से शरीर को सजाओ, कपड़ा आप देखना शीशा को सामने खड़े हो जाओ, जो शीशा को सामने खड़े हो जाओगे, अब देखना ये शरीर को जैसे सजाएगा ना, वो परछाई वैसे सज जाती है। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं पड़ता है, परछाई को सजाने का जरूरत पड़ता है नहीं, अपना शरीर को सजाओ, परछाई अपने आप सज जाती है। मतलब क्या? विश्वनाथ चौहान उसका उदाहरण दे रहे हैं, बोले इसका मतलब है ठाकुर को जो जितने अच्छे तरह से सेवा कर सकता है, ठाकुर को जो जितने प्रसन्न कर सकता है, ठाकुर खुश हो गए ना, तुम अपने आप खुश हो जाओ। हनुमान जी दिन भर क्या करते बताओ? राम की सेवा, राम की काम, राम के नाम करते, यही तो करते हैं ना, अपना चेष्टा के लिए कुछ करते हैं? जब हनुमान जी विशल करने के लिए गया था, वो जो बीच में जो साधु बन करके काल नहीं आ गया, साधु बन करके रात को विश्राम कर दो, बोले राम सेवा ही मेरा विश्राम है, राम काम ही मेरा विश्राम है, विश्राम मतलब राम की सेवा ही मेरा विश्राम है, राम का नाम ही मेरा जीवन है, हैं? इसलिए कहते जो भगवान की जो भक्ति भजन करेंगे, हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण बहुत अच्छी सिद्धांत रत्न ग्रंथ में बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, भक्त कभी भी अपना सुख नहीं चाहता है, कभी भक्त अपना सुख नहीं चाहता है, कहते न धनम न जनम न सुंदरी कविता बा जगदीश, प्रभु हमें कुछ ही जगत का कोई धन किसी चीज की जरूरत नहीं, जैसे जन्म जन्मांतर में अब हम सेवा कर सकते। भक्त अपना सुख नहीं चाहता है, वो हर समय प्रभु की सुख चाहता है, लेकिन जो प्रभु को सुखी कर देता है ना, वो अपने आप क्या होता है, वो भक्त अपने आप प्रसन्न हो जाता है। अब देखना एक चीज देखना, जैसे घर में कोई बढ़िया अतिथि आई, पत्नी ने बहुत अच्छी कोई सब्जी बनाई, बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, वो सब्जी को जो पति को खिलाए, पति ना अंगुल चाट चाट कर खाए, चाट चाट कर खाए, ओ खूब तारीफ किया, बोले क्या तुमने सब्जी बनाई, सब्जी नहीं जैसे अमृत तुमने बनाया है, सब्जी नहीं अमृत, बोले रोटी का टुकड़ा नहीं जैसे चांद का टुकड़ा चलाया, रोटी का टुकड़ा नहीं जैसे चांद है। अगर खूब देखना, खूब जी भर कर प्रसन्न करना, अब देखना जो रसोई बनाया है ना, वो कितने खुश हो जाता है, कहते आज रसोई बनाना सार्थकता हो गया, पति ने खूब चाट चाट कर खाए और पंचम मुंह में उन्होंने हमारी तारीफ किया, खुश हो जाते ना, इधर खाने वाले को जितना खुश होगा और बनाने वाले उसे ज्यादा खुश हो जाएगा, बनाना आज हमारी सार्थकता हो गई, इनको प्रेम से वो खाए, खुश हो जाते कि नहीं? हाँ, उसी तरह जब हम ठाकुर को सेवा करते हैं, अगर ठाकुर जी अगर खुश हो जाते हैं ना, कहते भक्त अपने आप खुश हो जाता है, वो अपना आनंद को नहीं चाहता है,
इसलिए कंकड़ धूल को तो हटा दिया है, लेकिन हटाने पर भी वहां पर कुछ रह गया। क्या रह गया? वहां पर पानी देकर उसको हृदय को साफ करो, मतलब भगवान की भक्ति भजन नाम कीर्तन करो। फिर उसको धो दिया, लेकिन तब भी कुछ दाग रह गया वहां पर, दाग रह गया। जब दाग रह गया ना, फिर महाप्रभु अपना कपड़ा लिया है, अपना कपड़ा लिया और उस कपड़े द्वारा उन्होंने घीस घीस करके उसको उन्होंने हटाया वहां से है। तो यह प्रभुपाद कहते हैं, भैया ये क्या दाग क्या है, इस दाग क्या रह गया, इसको घिस घस करके उठाते हैं। बोले कारण है, कभी तो ये सब सब किया है, कंकड़ पंकड़ धो दिया, लेकिन कभी कभी हृदय में थोड़ी थोड़ी वासना की भावना क्या है, बोले कुटीनाटी रह जाती है। कुटीनाटी समझते है ना, कपटता रह जाती है। ये कपटता बहुत गंदी चीज है। हम ऊपर देखने के लिए एक दिखते हैं, लेकिन अंदर से और कुछ हो, ऊपर दिखाते हैं एक को अलग, लेकिन अंदर में और कोई चीज हृदय में हम सोच रहे हैं, ये कपटता है। कहते भगवान, कहते भैया ये कपटता मेरे को पसंद नहीं है। वो कहते हैं छल छिद्र मोहिना भावा, ये छल छिद्र कपट भगवान को पसंद नहीं। कल सुन रहे थे ना, भगवान बंसुरी क्यों बजाते, क्योंकि उसका जो हृदय है खाली है, वो बीच पोला है, उसका हृदय में कुछ है ही नहीं, सरल है, हैं? और हृदय सरल है, इसलिए कहती कुटीनाटी, कुटी नाटी है, जो कु और ना ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आता है कुट, फिर प्रतिष्ठा, हाँ, जो प्रतिष्ठा की भावना, हमारी दुनिया पे हमारी जय जयकार हो, सारा दुनिया हमारी जय जयकार करे, हैं? ये प्रतिष्ठा को त्याग देना पड़ेगा। फिर उसको बाद में जीव हिंसा, बोले जीव हिंसा क्या है, बोले एक नंबर जीव हिंसा होते जैसे मांस खाना, मछली खाना, अंडा प्याज खाना, ये जीव हिंसा। क्यों? जीव का हृदय में, सभी का हृदय में भगवान का निवास है, इसलिए ये सब मांस मछली अंडा ये सब चीज को हमें परित्याग करनी चाहिए। और जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप बताया, लेकिन प्रभुपाद कहते जो असली जीव हिंसा किया है, तो प्रभुपाद कहते असली जीव हिंसा है भगवान की जो शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करना, यही जीव हिंसा है। और लोगों का मन धर्म में, जैसे आप उधर कुछ, आप उस तरफ में कुछ ऐसे कुछ लोग हैं, खूब बड़े बड़े संस्था है, लेकिन सारे मांस मछली खाने वाले, जीव हिंसा, मांस मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले, उल्टा पुल्टा चीज खाने वाले, और बोलेंगे नहीं जीव को, हाँ तुम्हारा आत्मा जो चाह रहे वही करनी चाहिए, आत्मा चाह रहे मांस मछली का उसको क्यों छोड़ोगे। ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ लोग है उधर है, जो उल्टा पुल्टा धर्म को जो प्रचार करने वाले, और जो ज्ञान कर्म इस सब चीज को जो प्रचार करने वाले, बोले नहीं, हाँ प्रभुपाद कहते नहीं, जो शुद्ध भक्ति जो प्रचार करते हैं, जो भगवान की शुद्ध प्रेम को जो प्रचार करते हैं, क्योंकि जीव का असली स्वरूप है भगवान की नित्य दास है, हम भगवान की संतान है, हमारा कर्तव्य ठाकुर को भक्ति, उनकी सेवा करना ही हमारे असली जीव का कर्तव्य है। इसलिए जगत में जो शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार करते हैं, सचमुच से वो जीव के ऊपर वही कृपा कर रहे हैं। जो जगत में विद्ध भक्ति को जो प्रचार करते हैं, हैं उल्टा पुल्टा चीज को, कहते यही जीव का हिंसा करना है, मतलब उनको गलत रास्ता पर ले जाना, उनको भक्ति शुद्ध भक्ति धारा से उनको गलत मार्ग पर ले जाना, यही जीव हिंसा है। इसलिए कहते भैया शुद्ध भक्ति को ही प्रचार करो। इसलिए कहते है जीव हिंसा, बोले निषिधाचार, बोले निषिधाचार क्या है, बोले जैसे पाप का चार स्थान, दुतम जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पानम किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लो, स्त्रियम अवैध रूप में पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष से मत मिलो, जीव हिंसा मतलब मांस मछली नहीं खाना, ये सब चीज को क्या क्या उन्होंने घिस घिस करके उसको उन्होंने उठाया वहां से, घिस घिस करके वहां से निकाले। लेकिन फिर और भी कुछ छोटा दाग रह गया, और कुछ छोटा दाग रह गया, बोले उसको भी उन्होंने निकाले, बोले वो क्या चीज है, कहते वो चीज क्या है, कहते हमने तो, कहते चार ही तरह का, कोई कोई भक्त लोग होते हैं जो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी जो नहीं लेते हैं, लेकिन और चार ही तरह का मुक्ति है, जो वैकुंठ का है, जो सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और साध्वी, ये चार ही तरह का मुक्ति और है। कभी कभी भक्त लोग जो ब्रह्म में लीन हो जाना, जो उसको तो नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज को ग्रहण कर लेते, जो वैकुंठ जाते हैं, हैं? साध्वी मतलब वहां पर सारूप्य, मतलब वहां पर वैकुंठ में जितने भक्त है ना भगवान की, जैसे चार यात्रा वाले सारूप्य और साजुज और सामीप्य, मतलब जो भगवान का निकट में जो वास करते हैं, हैं? इसलिए सारूप्य, साजुज्य, सालोक्य और
वहां पर ये जो चार तरह का जो मुक्ति है भगवान की, जैसे ऐश्वर्य है, कभी कभी भक्त इसको ग्रहण कर लेते हैं, कहते भैया अगर तुम राधा कृष्ण का प्रेम पाना चाहते है ना, राधा कृष्ण का प्रेम पाना चाहते हो, ब्रज भक्ति पाना चाहते हो, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते अपितक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमी तो बोमनयनी, भैया लक्ष्मी की तरफ में नारायणी की तरफ में आकृष्ट मत हो, फिर तुमको खींच करके वैकुंठ ले जाएगा, तुमको वो खींच करके वैकुंठ ले जाएगा। इसलिए अगर तुम राधा कृष्ण का प्रेम धन पाना चाहते हो, कहते कथा मुक्ति व्याघ्र नौ किलो सर्वात्मा गलिनी, ये मुक्ति की कथा भी मत सुनो, लक्ष्मी नारायण का प्रति प्रीति भी छोड़ दो, नहीं तो तुम राग भक्ति में ब्रज भक्ति तुमको प्राप्त नहीं होगा हैं। इसलिए क्या किया करो, ऐसे जो राधा कृष्ण प्रेम में सुजातीय आशय सिद्ध, तुम्हारी जो सुजातीय जो भक्त है जो राधा कृष्ण के प्रेम महाप्रभु का धारा में, उनकी संग करो, फिर तो कहाँ जा सकते हो, तुम फिर भगवान के पास में जा सकते, इसको भी तुम त्याग दो। इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे थे, घीस घीस करके उसको निकाल रहे हैं। और लास्ट में और एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं, महाप्रभु जब कोई सब काम कर रहे थे, हाथों में तो काम कर रहे थे, लेकिन मुंह में ठाकुर का नाम ले, वो नहीं बोलते पात्र को ले लो, नहीं कृष्ण कृष्ण कोई चीज को भैया कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, झाड़ू लाओ बोले कृष्ण कृष्ण, पानी ले आओ कृष्ण कृष्ण, मतलब जो कुछ काम करते थे वो उसको साथ साथ में भगवान का नाम को ले गए। तो यहाँ पर क्या सिखा देते हैं, तब जीव गोस्वामी संदर्भ में कहते हैं, कलयुग में हम जो कुछ काम करेंगे अगर उसको साथ में भगवान के अगर नाम नहीं जुड़ा हुआ हो ना, वो जो काम आपका पूर्ण फल नहीं देगा। हर चीज में भगवान के नाम को जोड़ करके हर काम करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, की सहने की भोजने की बा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बोलो बदने। महाप्रभु कहते हैं जो कुछ करते हो, खाते पीते उठते सोते जो कुछ करते हो, हाथों में ठाकुर को सेवा करो और मुंह में ठाकुर का नाम, हर चीज में ये नाम को तुमको जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई काम करते अगर नाम नहीं जुड़े है ना भैया, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। और हर चीज में नाम को अगर जोड़ दिया बस साकार हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु सिखा देते है हरि नाम के छोड़ करके जीव का कोई गति नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते मैं तुमको ये हरि नाम दिया, ये हरि नाम को तुम निर्दिष्ट यह जप गया सबे करिया निर्बंध, नियम करके हरि नाम करो। ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया कर लिया, कल नहीं इच्छा हो तो माला जहां तहां लटक रहा है, माला नहीं। इसलिए नियम करो, क्या नियम करो, इसलिए गुरु जी कहते थे जब गुरुदेव माला दिए है, गुरुदेव जब माला दिए, गुरुदेव कहते ना माला नहीं कृष्ण को दिए, तुम ये कृष्ण दिए गुरुदेव, ये माला नहीं कृष्ण दिए है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये माला को कभी भूखे मत रखा, समझ रहे, उसको भूखा मतलब हंग्री मत रखना, मतलब क्या, अगर एक दिन अगर माला नहीं किया, गुरुदेव कहते थे ठाकुर दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाए, स्नान नहीं किया, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, ये माला गुरुदेव नहीं दी, साक्षात कृष्ण को दिए। गुरुदेव कहते थे अगर जीवन में कभी सुखी रहोगे ना, ये हरि नाम से ही सुखी रहोगे, ये मत समझो दुनियादारी सारे इकट्ठे कर लिए संपत्ति को सुखी हो जाओगे। गुरुदेव उदाहरण देते थे, रावण जैसे धनी कौन हो सकता है, सोने की लंका हमारे पास में कितना सोना होगा, 1 किलो 10 किलो 20 किलो, इसका लंका ही सोने का, पत्नी सोचते अच्छे अच्छी बीबी सुंदरी किसी स्त्री से शादी हो जाए सुखी हो जाओगे, बोले जिस पत्नी का नाम थी मंदोदरी, विश्वकर्मा की बेटी, हनुमान जिसको देख करके मुग्ध हो गए, बोले ये तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतने सुंदर एक नहीं, कितने स्त्रियों को पकड़ पकड़ करके उसने लाया था है। मेघनाथ जैसे बेटा, शंकर जी को कहते भोले बाबा जीवन में शांति नहीं सुख नहीं, गुरुदेव सिखा देते थे ये सारे दुनिया की कोई संपत्ति तुम्हें सुख नहीं दे सकता है, इसलिए सुखी वही दे सकता है। सुखी कैसे बनेंगे, बोले भगवान की भजन के बगैर सुखी नहीं हो सकते, हरि विमुख कभी सुख नहीं, बाबा हरि से विमुख होकर कभी सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए क्या करो, गुरु जी कहते भैया हरिनाम जरूर करो, गुरुदेव कहते थे जरूर ये हरिनाम करो, ये हरिनाम को कभी भूखे मत रखना, ठीक है।
बोले निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले सचिनंदन गौर हरि की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि, बोले गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय। फिर आज शाम को हम जो सुन लेंगे ना रथ यात्रा का, अभी तो गुंडीचा मंदिर मार्जन हो गया, गिर गए, गुंडीचा मंदिर साफ हो गया, अभी ठाकुर जी अभी गुंडीचा मंदिर में आएंगे, इसलिए ठाकुर जी कैसे गुंडीचा मंदिर में आते हैं इसका आज हम शाम को सुनेंगे, और रथ यात्रा का क्या महिमा सुनेंगे, ठीक है जी। और कल कल कहाँ प्रोग्राम, कल शाम को बाबू आप घर में, वहाँ भी जगन्नाथ जी का था, ठीक है, बोला हरे कृष्ण प्रभु, प्रसाद भोग लग गया जी, चलो हम चलते हैं, हम जाकर के उनको भोग लगाते हैं, ठीक है, अपना एक घर में लेकर के आरती कर लेंगे, आरती कर लो, बताएं आरती करेंगे, करो आरती करो, आरती फटाफट करो, जब तैयारी करो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, बजा